हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो गाइज, चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। ओके गाइस, सो फोकस कीजिए अपने पर्सन की एनर्जीज पर, देखने की कोशिश करते हैं। गाइस, कल रात में मैंने एक रीडिंग अपलोड की है अपने न्यू वाले चैनल पर, साइकिक टैरो शिवी 888 पर, और उसमें मैसेजेस फ्रॉम सोल पर मैंने रीडिंग की है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज, आप जाकर देख सकते हैं, पसंद आते हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या आपकी पर्सन की एनर्जीज निकल कर आती हैं। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन आज के दिन में आपको लेकर, लेट्स सी। यहां पर गाइज 9 नंबर और मुझे टी लेटर नजर आ रहा है सबसे पहले। और मुझे यहां पर सेक्रल चक्रा की एनर्जी दिखाई दे रही है। गाइज, इस पर्सन का सेक्रल चक्रा बैलेंस हो रहा है, सबसे पहले एनर्जी आई है। आज के दिन में गाइज इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन आज के दिन में मैं ये देख रही हूं कि एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपकी पर्सन, मतलब इस तरह से एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पर्सन आज के दिन में एक ऐसी सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर कहते नहीं कि अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ और गए, वो एनर्जी है यहाँ पर। सो मतलब आपके पर्सन कुछ बहुत ही ज्यादा मेजर इनकी लाइफ में चल रहा है जिसको बैलेंस करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसी बात मुझे नजर आ रही है गाइस, जिसमें अगर आपके पर्सन ने थोड़ा सा भी यहां वहां किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। सो ऐसा है गाइस कि इस पर्सन के मन में आज के दिन में सवाल भी काफी सारे थे। ये ऐसे सवाल कर रहे थे कि इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, आखिर इन्होंने किसके साथ इतना गलत किया कि इनके साथ ऐसे हो रहा है। जो होते ना बहुत सारे सवाल कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके पर्सन आज के दिन में सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर गाइस मुझे 2 नंबर नजर आ रहा है। ये पर्सन प्रोटेक्शन चाह रहे गाइस, ठीक है। ये पर्सन को डर लग रहा है, मतलब कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाती कि अब क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो वाली जब एनर्जी होती है ना गाइस, उस वक्त एक इंसान चाहता है कि उसे कोई प्रोटेक्ट करे, कोई उसकी हेल्प करे, कोई उसकी मदद करे, कोई उसे सहारा दे, कोई उसे सहानुभूति दे। तो इस पर्सन की एनर्जी में ये नजर आ रहा है कि ये बेसिकली आज के दिन में छत और छाया मांग रहे थे, यानी कि प्रोटेक्शन, ठीक है, यूनिवर्स से प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली बात है, कोई इंसान जब मदद नहीं करता है तो सिर्फ भगवान याद आते हैं,
तो वो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी इस पर्सन की नजर आ रही है। कल की एनर्जी से कुछ मिलती जुलती आज की एनर्जी दिख रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर कल की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर नजर आ रही है, कंटिन्यू हुई है वो। यहाँ पर गाइस एस लेटर भी नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसी लग रही है गाइस फ्रेंडशिप वाली एनर्जी नजर आ रही है। लाइक जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो उस इंसान को देखता है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि उनके आपके पर्सन के सबसे अच्छे दोस्त आप हो सकते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी लग रही है। जैसे ये पर्सन एक फ्रेंड की तरह आपसे बातों को शेयर करना चाह रहे थे, आपका आपका साथ चाह रहे थे, ऐसी एनर्जी है गाइज। यहाँ फ्रेंडशिप की एनर्जी है बेसिकली। सो पॉसिबिलिटी है गाइज कि आप लोग फ्रेंड्स रहे हो अच्छे, या फिर आप लोग कॉलेज में साथ में रहे हो, जो भी है गाइज। यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स की एनर्जी नजर आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर गाइस 6 नंबर भी निकल कर आया है, ठीक है, 6 नंबर है यहाँ पे। यहाँ पर गाइस मैं ये भी देख रही हूँ कि जिन चीजों से आपके पर्सन पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें इस पर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन जिन चीजों को फेस नहीं करना चाहते या जिन चीजों से पीछे छुड़ाकर भागना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपके पर्सन को पकड़ने की कोशिश करती हैं। इट मीन्स कि जहां जहां पर भी आपके पर्सन ने चीजों को बिगाड़ा है, जब तक कि वहां वहां आप चीजों को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। जैसे इन्होंने कहीं पर कुछ गलत किया, कुछ बिगाड़ा, और उसके बाद फिर वहां पर सही नहीं करके भागने की कोशिश की, ठीक है। तो भाग नहीं सकते आप, अगर आपने कहा कहीं पर कुछ गलत किया है और आपको ये चीज पता चल गई है कि वहां पर आपने कुछ गलत किया है, तो वहां पर आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है और उस चीज को ठीक करने की जरूरत है। जब तक आप उस चीज को ठीक नहीं करते, तब तक आप वहां से भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाएंगे। वो चीजें जब भी आपको याद आएंगी, तब तब आप या तो आपके अंदर डर पैदा करेंगी या फिर आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी को पैदा करेंगी। तो यहाँ पर यही एनर्जी मुझे नजर आ रही है। जैसे वो एनर्जी कॉर्ड अभी भी कनेक्टेड है, ठीक है, जहां जहां भी इस पर्सन ने अपनी एनर्जीज लगाई हैं और जहां जहां भी इनको ऐसा लगता है कि यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, तो वो चीजें इस पर्सन को पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। इट मीन्स गाइस कि अगर आप कहीं पर कर्मा क्रिएट कर लेते हो, चाहे गुड हो चाहे बैड, ठीक है, तो वो गुड कर्मा भी घूम फिर कर आपको मिलता है उन्हीं लोगों के द्वारा, ठीक है, और बैड कर्मा भी मिलता है। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की नजर आ रही है आज के दिन में, ठीक है। तो ये पर्सन इन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, बिकॉज इस पर्सन की हैबिट हो सकती है कि अगर कहीं पर इनसे चीजें नहीं संभलती हैं तो ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं और लाइफ में एक नया स्टार्ट लेते हैं, नए तरीके से चीजों को शुरू करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी काम अगर आपने किया है तो उससे भागना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आप उसके आप पास में पीछे जाइए, उस चीज को ठीक करिए, फिर चाहे आप मूव ऑन कर जाइए, वो ज्यादा बेटर होता है, बजाय इसके कि आप वहां पर गलत करके सीधा भाग लिए। यहां पर 3 नंबर है, कल भी मुझे 3 नंबर नजर आया था। देखिए पॉसिबिलिटी है गाइस कि इस पर्सन ने ना, बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे मौजूद हैं जिनके बीच में ईगो इश्यू हो सकता है, और आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको सिर्फ दिखाने के लिए थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, ठीक है। आपके पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको जलाने के लिए थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, एंड नाउ वो उस पर्सन के साथ फंस गए हैं। सो अभी इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है एक प्रॉपर डिसीजन लेना, ऐसी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। आज के दिन में मैं इस पर्सन के लिए ये भी देख रही हूँ कि आपको टाइटली होल्ड करना चाहते थे, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का मन है कि आपकी तरफ आए, आपसे कनेक्शन स्टार्ट हो, लेकिन जहां पर इन्होंने वो कहते नहीं कि जहां पर इन्होंने बना लिया सब कुछ,
वहां से निकलना भी इतना आसान नहीं है, वो सारी चीजें ना पीछे खींचती हैं, तो वहां भी इनको सेटलमेंट करने की जरूरत है। तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की आज के दिन में नजर आ रही है। ऐसी एनर्जी मुझे, ऐसी स्टोरी यहां पर समझ में आ रही गाइस, जैसे मुझे जिस तरीके से एनर्जी मिली है, आप दोनों के बीच में बड़ा अच्छा कनेक्शन था, ठीक है। आप जिनसे भी ये रेजोनेट करे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप दोनों कनेक्शन में ज्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ज्यादा क्या बिल्कुल भी थर्ड पार्टी इशू नहीं था आपके कनेक्शन में, सिर्फ आपके पर्सन का या फिर आपका ईगो मैच नहीं करता था, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की सोच मैच नहीं करती थी। तो यहां पर दोनों की ईगो की वजह से, ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक की ईगो की वजह से यहाँ पर आपके पर्सन ने सिर्फ दिखावा करने के लिए थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया और कहीं ऐसे फंस गए कि अब यू नो वो सारी चीजें जहां फंसे हैं जाके वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी मुझे इस पर्सन की एनर्जी लग रही है। अब ये पर्सन गाइस वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको ना जब वो वहां पर गए, ठीक है, जिस भी पर्सन के पास गए या फिर जो भी इन्होंने एंटरटेन किया यहाँ पे, तो इनको वहां पे वो चीज, वो एनर्जी फील नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को फील आप होते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एनर्जी मिली है जहां पर मुझे लगा ये पर्सन आज के दिन में आपको टाइटली होल्ड करना चाहते थे। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज पर अब वापस आना चाहते हैं। तो इनकी वहां की जो एनर्जीज हैं, ठीक है, जहां पर इन्होंने क्रिएट की हैं, जहां पर इन्होंने टाइम दिया, वो सारी चीजें इनको अब पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। तो ये आपकी पर्सन की हालत है इस वक्त। तो यहां पर मुझे स्टार्टिंग में जो एनर्जी फील हुई थी कि अगर इन्होंने जरा यहां वहां किया और सारा इम्बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं गाइस जैसे मुझे एक एनर्जी और मिल रही है कि पर्सन यू नो जब भी आपके बारे में सोचते हैं और खासतौर से आज, तो इनको ना आपको लेकर भी बड़ा गिल्ट होता है। किस बात का गिल्ट होता है गाइस? जैसे इन्होंने अगर आपके ऊपर झूठ मूठ के एलिगेशन लगाए हैं, ठीक है, अपनी अपनी चलाने के लिए, या फिर इस पर्सन को श्योर नहीं था, इस पर्सन ने आपके ऊपर लगातार उंगलियां उठाई हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे कोई पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। ये एनर्जी कई बार निकल कर आती है रीडिंग में, ठीक है। तो आपके पर्सन उस बारे में ज्यादा सोचते हैं जब इन्होंने बिना बात के आपके ऊपर उंगली उठाई और आप गलत नहीं थे, उसके बाद भी आप पर एलिगेशन लगाया गया, उस चीज के बारे में ये पर्सन सोचते हैं तो भी इस पर्सन को बहुत हर्ट होता है। ऐसी भी एनर्जी यहां पर है गाइस। आज के दिन में ये पर्सन ऐसे भी सोच रहे थे गाइस कि अच्छा होता कि किसी लव कनेक्शन में ये कभी पड़े ही ना होते, अच्छा होता कि जब ये किसी के साथ भी कनेक्शन में पड़े ही ना होते, चाहे आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो। ये इन्हें ऐसा लगता है कि काश इन्होंने ऐसा कुछ किया ही ना होता, ठीक है, ये सिंगल ही रहते तो ज्यादा बेटर थे। ये आपके पर्सन आज के दिन में सोच रहे, बिकॉज यहाँ पर मुझे एक सिंगल इंसान अकेले में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो मुझे पता नहीं मैसेज दे रहा है कि पर्सन आज के दिन में ये सोच रहे थे कि अगर ये अकेले होते और इन्होंने किसी के साथ कनेक्शन ना बनाया होता तो ज्यादा बेटर होता। चलिए गाइस अभी कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। एम्प्रेस, वाओ, क्या है एनर्जीज, क्या चल रही हैं आज के दिन में। प्लीज गाइड मी एंजल्स, कोई कार्ड आएगा? आ गया, वाओ, आप दोनों वास्तव में फ्रेंड्स हो सकते हो जैसा मैंने बोला, ठीक है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और आप लोग पास्ट पास्ट लाइफ में भी फ्रेंड्स रहे हो और मुझे लगता है इस लाइफ में भी आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। लेट्स सी, टावर,
थ्री ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, बॉटम से स्टार एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस भी है और थ्री ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स देखिए गाइस थोड़े से डिफिकल्ट हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, मतलब आपके लिए नहीं आपके पर्सन के लिए। यहाँ पर गाइस लगातार रीडिंग में जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से टावर का कार्ड बहुत ज्यादा आ रहा है, कार्ड रीडिंग में भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है कैंडल वैक्स में। तो जब बहुत ज्यादा यू नो कोई कार्ड रिपीट होता है, इट मीन्स कि वो कलेक्टिव की रीडिंग है, ठीक है, मतलब जो लोग भी यहाँ पर हैं मोस्टली 90% लोगों की रीडिंग वही है। इट मीन्स कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों की लाइफ में इस वक्त टावर तो चल रहा है, मतलब चीजें तो उनकी लाइफ में हो रही हैं और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन जो भी है कर्मा झेल रहे हैं अपना, ठीक है। मैंने आपसे रीडिंग में भी ये चीज बताई थी और ये चीज मुझे यहाँ दिखाई भी दे रही है। और गाइस ये जस्टिस के ऊपर थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है, जहां जहां भी इस पर्सन ने, जैसे मैंने कहा ना एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट की थी, जहां जहां भी इस पर्सन ने अपना समय दिया था, मतलब जिस जिसका भी हो सकता है दिल तोड़ा हो, ठीक है, या फिर नहीं भी तोड़ा है, कहीं भी किसी को भी हर्ट किया है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी प्रॉपर कनेक्शन में जाकर ही किसी का यू नो हार्ट ब्रेक किया है, इसका मतलब ये भी है कि आपने अगर कहीं पर भी किसी का भी दिल दुखाया है तो वहां पर जस्टिस की एनर्जी है डियर इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो अगर इस पर्सन ने यहाँ पर चीजों को यू नो जा जाके अपनी तरफ से बनाया था, तो अब ये वहां से सब जगह से ट्रिगर भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन कर्मा रिलीज कर रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी इस पर्सन की, वो भी थर्ड पार्टी के साथ, स्पेशली अगर आपके कनेक्शन में है तो, बिकॉज है तो, ठीक है। एक तो यहाँ डिवाइन कपल है, एम्परर और एम्प्रेस, ठीक है, और एक यहाँ पर मुझे यू नो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी लग रही है, जो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ उम्र में कम हो, ठीक है, ये पर्सन आपके पर्सन के साथ उम्र में कम हो, या पॉसिबिलिटी है कि इमेच्योर हो आपके पर्सन से, यानी कि आपके पर्सन से भी इमेच्योर हो, ये भी एनर्जी है। लेकिन जो भी है बहुत जिद्दी और कंट्रोलिंग इंसान है, तो वहां आपके पर्सन को ये कुछ सबक सिखाने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी है। मतलब चीजें कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बोलूं तो चीजें इस पर्सन की लाइफ में फिलहाल ठीक नहीं चल रही। इस पर्सन का अगर कहीं भी मन होता है ना गाइस, आप देखिए सिक्स ऑफ कप्स, इस पर्सन का एक ही मन होता है कि पास्ट पर्सन को लव ऑफर किया जाए, यानी कि जहां पर लव है वहीं पहुंचा जाए, ठीक है, यानी प्यार प्यार को बुला ही लेता है, ठीक है, कहीं से भी बुला लेगा लेकिन बुलाएगा जरूर। यहां पर स्टार की एनर्जी भी है, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन को हीलिंग की भी जरूरत है, ठीक है, इस पर्सन को हीलिंग की भी जरूरत है, काफी ज्यादा कंट्रोल किए जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी जब तक इनका यू नो पूरा कर्मा कंप्लीट नहीं होता तब तक इनको इस तरीके से फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें भी नजर आ रही है। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड के साथ गाइस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अगर आपके लव कनेक्शन के बीच में चीजें आ रही है तो वो यही है, इस ये जो कोई पर्सन हो सकता है जो भी जिसके साथ ये कर्मा फेस कर रहे हैं उसी की वजह से आप तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज आप इनकी एम्प्रेस हैं गाइज, आपको इसी एनर्जी में ये पर्सन देखते हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। इन्होंने, मैं कह रही हूं ना, कुछ चीजें हो सकता है आपको सिर्फ दिखावे के लिए की हो, जैसे मुझे यहाँ पर स्टोरी समझ में आई थी रीडिंग करते टाइम कि इस पर्सन के बीच में और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, सिर्फ ईगो ईगो, देखिए एम्परर आए हैं, सिर्फ आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन के अंदर कुछ चीजें थी और आपके अंदर कुछ चीजें थी। तो जैसे होता है ना कि ये दो ऐसे लोग हैं जो यू नो बराबरी से देंगे और बराबरी से लेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि यू नो आप दोनों के बीच में ऐसा ही रहा हो, तो इस पर्सन ने ईगो में आकर किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन तो कर दिया लेकिन अब वहां जाकर फंस गए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें पीछा नहीं छोड़ रही आसानी से, और इसलिए भी नहीं छोड़ रही क्योंकि वहां इस पर्सन ने हो सकता है कर्मा क्रिएट किया अपना नया, तो यहाँ पर इस पर्सन को उस कर्मा को यहाँ पर रिलीज करने की जरूरत है, और ऐसा ही ये आजकल परसों में कर रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग में काफी दिनों से निकल कर आ रहा है ये वाला कार्ड स्पेशली। ओके, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं, क्लैरिफाई करूं क्या गाइस? हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन,
डेविल और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो ओवरऑल रीडिंग जो हुई निकल कर आई है वो ये है कि गाइज यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी। और ये देखिए जो माँ शक्ति है वो डेविल का खात्मा भी कर रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी काफी हाई वाइब्रेशन में हैं, उनकी एनर्जी ही काफी है उनके काउंटर पार्ट को किसी डेविल एनर्जी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, आपकी जो पावर है वो आपके पर्सन को किसी भी डेविल एनर्जी से बाहर निकालने के लिए काफी है, क्योंकि जो डिवाइन काउंटर पार्ट आपके होते हैं जब आप हायर वाइब्रेशन में मूव करते हैं तो आप इस पर्सन को भी पुश करते हैं, ठीक है, एक सेम पेज पर आने के लिए। तो ये इस पर्सन को भी यहाँ पर असेंड होना पड़ता है आपके लेवल को मैच करने के लिए। तो जितनी तेजी से ये असेंड होते हैं उतनी तेजी से इस पर्सन की लाइफ से कर्मा भी रिलीज होता है, ये चीजें नजर आ रही है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप अपनी वाइब्रेशन को रेज कीजिए। आपके पर्सन तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो ये नहीं कि आप अपने पर्सन के पास जाएं, वो ये कि आप अपने अंदर जाएं। ठीक है, जितना आप खुद के पीछे भागेंगे उतने जल्दी आप चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, उतने जल्दी आप चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप गुड लक को मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है। यंगर ये पर्सन छोटे हो सकते हैं आपसे, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा छोटे नहीं होंगे, एक आधी साल का अंतर होगा, बिकॉज ये मुझे बराबरी के ही लग रहे हो आप लोग। ब्रॉड शोल्डर कैप्रिकॉर्न पॉज डार्क स्किन एम लेटर है पाइसिस जे लेटर है जेमिनाय। टैटूस पर्सन के हाथों पर हो सकता है या आपके हाथों पे कैंसर एन लेटर है सेवन नंबर है ए लेटर है एन लेटर है दोबारा से एन आया है सी लेटर है अगस्त मंथ है टू नंबर है लास्ट इल्यूमिनेट। तो शाइन कर रहे हो गाइज आप, ठीक है, आपकी एनर्जी से पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेट्स सी और यहां से क्या आता है। यू जस्ट नो हाउ टू मेक पीपल हैप्पी एंड वॉट एवरी वन नीड्स। इस पर्सन को सबसे अच्छा आप में ये लगता है गाइस, इस पर्सन को ये पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो वो काम करते हैं जो लोगों को पसंद आता है। मतलब आपको हमेशा ये चीज पता होती है कि कब किसको क्या चाहिए और किस लोगों को कैसे खुश रखना है। बेसिकली आपको लोगों को खुश रखना आता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी नहीं मंजूरी है, सॉरी तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है मंजूरी नहीं। ओके, तो मतलब ये पर्सन मजबूरी में दूर है जैसा मैं बोल रही हूं। I will fight for this connection. Will you marry me? अगर ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे तो क्या आप इनसे शादी करेंगे, क्वेश्चन इनका। I want to meet you, my love. ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं मिलना भी चाहते हैं, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी थी आज के दिन में। I never wanted to push you away. I got too scared of my own feelings. ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी दूर अपने पास से दूर नहीं धकेलना चाहता था, जस्ट मैं अपनी फीलिंग्स से सिर्फ डर रहा था उस टाइम। ठीक है, मतलब डर गया था या डर गई थी। ओके, यहाँ पर एक सॉन्ग है, ओ साहिबा मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, जो सॉन्ग शायद बहुत पुराना है। आई फील कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लूं, जब भी तुम याद आते हो तो बहुत रुलाते हो। एंड लास्ट वन वी हैव, व्हेन आई मिस यू आई रीड ओल्ड मैसेजेस एंड स्माइल्स लाइक एन इडियट। ये पर्सन जब भी आपको मिस करते हैं आपके सारे पुराने चैट्स पुराने मैसेजेस को पढ़ते हैं और पागलों की तरह मुस्कुराते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।